आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 574वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव नवंबर या दिसंबर कभी हो सकते हैं, हम लगातार सिवनी जिले की स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। सिवनी जिले में 4 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं हुआ करती थी, परिसीमन पुनरक्षण आरक्षण के बाद विधानसभाओं की तादाद 4 हो गई, लोकसभा सीट हुआ करती थी विलुप्त हो गई। उसके उपरांत सिवनी में 2 लोकसभा सीट हो गई। कांग्रेस नेत्री भाजपा नेताओं कांग्रेस की नेताओं से बात के उपरांत आज अब हम आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव याया आरिफ कुरैशी आप हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और आपसे हम सिवनी जिले में कांग्रेस भाजपा दो लोगों से हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम आम आदमी पार्टी जो तीसरा दल जिसे माना जा सकता है उनसे अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है याया आरिफ कुरैशी साहब आपका। सिवनी जिले के परिदृश्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिवनी जिला प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के संगठन अलग हैं, सिवनी जिले के बारे में 4 विधानसभा सीटों के बारे में आपका आकलन क्या कहता है, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में एक तो जो पिछला कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस के विधायक टूट के गए और भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ हम अभी वर्तमान में हमारा 4 विधानसभा सिवनी का कोई विधायक टूट कर नहीं गया, सिवनी का कोई सांसद टूट के नहीं गया, सिवनी में कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है या भाजपा का इतिहास क्या रहा है, अभी हम आम आदमी पार्टी चूंकि विपक्ष में आप हैं तो विपक्ष की भूमिका क्या है? वर्तमान में सिवनी जिले में लोग भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और बरगाड़ से कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे पूरी तरह निराश हैं। इन जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों की जनाकांक्षाओं के खिलाफ काम किया है, जो वो चाहते थे, जो वादे करके आए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए आम जन का विश्वास जो है आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारा संगठन का विस्तार हुआ है। जिन मुद्दों को हमने उठाया उन मुद्दों को लोगों ने उसकी सराहना की और उन्होंने ये इस बात को माना है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी ने जो बुनियादी मुद्दे थे जन जन के उनको उठाने का काम किया। मान लिया जाए कि सिवनी और बरघाट दो जगह विधायक पूरी तरह असफल रहे हैं, शेष दो केवलारी और लखनादौन, आपने चूंकि दो का उल्लेख किया, मेरा आशय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए था, तो वहां पर भी लोगों को निराशा हाथ लगी है, वहां पर भी देखिए जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा कतई नहीं कर पाए, लोग परेशान हैं। अगर कांग्रेस और भाजपा दो कांग्रेस के विधायक हैं, दो भाजपा के विधायक हैं, अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायक असफल रहे हैं जनता की अपेक्षाओं में को पूरा करने में, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के द्वारा सिवनी में किस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है? पुनः हम कहना चाहेंगे सिवनी में प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर पर आपका संगठन अलग है। सिवनी में हमने जिन मुद्दों को उठाया उनमें प्रमुखता से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भवन का निर्माण होना था वो प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना थी, मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसमें क्या किए, भारतीय जनता पार्टी उस समय नगरपालिका में सत्ता में थी, उन्होंने क्या किए, उन्होंने उस भवन का निर्माण आज तक नहीं करवाया, लोगों से पैसे जमा करवाए गए और वो अभी भी अधूरी योजना पड़ी हुई। इतनी इस मामले को लेकर जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भवन का निर्माण हुआ अथवा नहीं हुआ ये गौण विषय है, मूल विषय है कि उस भवन का निर्माण आखिर कहाँ होना था। उस भवन का निर्माण तो शहर के अंदर होना चाहिए। अगर शहर का मतदाता, नगरपालिका परिषद का मतदाता आप कंडीपार में ले जा रहे हैं, तो इसका विरोध आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध कब किया? देखिए, हमने नगरपालिका के सामने धरना दिया था इसी बात को लेकर, फिर उसके बाद हमने रैलियां निकाल के ज्ञापन प्रेषित किया, मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने का काम किया है कि शहरी मुख्यमंत्री का ध्यान आप आकर्षित कराएंगे, आप ये भर बताएं कि आप चूंकि जिला स्तर पर बैठे हुए हैं आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक
कब पहुंचेगी? आपकी आवाज बहुत आसानी से सिवनी विधायक, सिवनी सांसद, जो बालाघाट सांसद है, उन तक पहुंच सकती है। पर यहाँ एक गलत परंपरा आरंभ हुई है 90 के दशक से, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 40 साल हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ एक गलत परंपरा आरंभ हो गई है कि सिवनी में बैठे व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री तक आपकी आवाज नहीं पहुंच सकती। प्रधानमंत्री तक आपकी आवाज आपके सांसद के जरिए, मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज आपके विधायक के जरिए, विधायक या सांसद, इनका इनको आपने कब लक्ष्य पर रखा? नहीं, हमने जो भी आंदोलन किए उसमें तो इन्हीं से आप जो भी होता है, सिवनी के नागरिक इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि सिवनी में जब भी इस तरीके की कोई बात होती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इनके कभी पुतले जला दिए जाते हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी कर दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पूरी जवाबदेही के साथ हम इस बात को कह रहे हैं, स्थानीय स्तर पर कभी भी विधायक या सांसद उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता है। यही कारण है कि सिवनी की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। आपकी उपस्थिति दर्ज होती है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को लक्ष्य टारगेट करने में, पर ये इस बात से आप भी स्वीकार करेंगे कि आपकी बात उन तक नहीं पहुंचती और आपकी उपस्थिति भर दर्ज होती है। अगर आपकी बात वहां पहुंची होती, कंडी पार में जो आधे अधूरे प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस ने भी कुछ उसमें नहीं किया, कांग्रेस ने भी उसको लेकर मुख्यमंत्री को लक्ष्य किया, जबकि इस बात को विधानसभा में सिवनी के विधायक के द्वारा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, इस बारे में किसी ने नहीं कहा। देखिए, हम लोगों ने वहां मौके पर पहुंचकर, वहां खड़े होकर पूरे शहर को ये बताने का प्रयास किया वीडियोग्राफी के जरिए कि ये हमारे सिवनी के विधायक हैं। आपने, माफ कीजिएगा, आपने ये बताने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री ने वहां बनवाने के लिए प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव नगरपालिका का था, प्रस्ताव में सहमति सिवनी के विधायक और सांसद की थी, उनको आपने कभी कटघरे में नहीं खड़ा किया। हमने तो नगरपालिका के सामने बैठकर भी धरना किया है। चलिए, दूसरी चीज, सिवनी की मॉडल रोड क्या पूरी हो चुकी है? नहीं हुई। अगर मॉडल रोड पूरी नहीं हुई है तो आप भी उससे गुजर रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के लिए नगरपालिका, सिवनी के विधायक, सिवनी में जो सांसद हैं, उन्हें आपने कब कटघरे में खड़ा किया? हमने सिवनी की मॉडल रोड की बदहाली के लिए, आपको शायद मैं स्मरण कराऊं कि जितने गड्ढे थे, जहां जहां अनियमितताएं थी, जहां लोगों को असुविधा हुई थी, उनमें गड्ढों में घेरे डाल के उसकी काउंटिंग करने का काम किए थे, और पूरी रैली हम रोज निकालते थे, एक पार्ट पूरा उसका करते थे, और जगह जगह खड़े होकर हम बताते थे लोगों के कि ये हमारे विधायक, ये हमारे मुख्यमंत्री का काम है, विधायक का आपने आज तक नहीं किया। तो विधायक के साथ कहूंगा, विधायक का ये चीज जो है, ये सिवनी में एक परंपरा बहुत गलत है। स्थानीय स्तर पर आप और हम एक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हमको, हमने विधायक को उस समय कटघरे में इसलिए खड़ा किया कि सिवनी के ये विधायक है, जनप्रतिनिधि है, इनकी जवाबदेही है कि यहाँ जो काम हो रहा है उसको जैसा होना चाहिए, गुणवत्ता के साथ, जितने समय सीमा में होना चाहिए थे, जो जो काम उसके साथ होना चाहिए तो वो हुए या नहीं हुए, इस बात को वो देखें और प्रशासन से, और ना हो उनसे तो मुख्यमंत्री जी को, फिर मुख्यमंत्री, विधायक महोदय के माध्यम से। आप, मॉडल रोड की बात हो गई, जलावर्धन योजना, 6 मीटर पानी ऊपर चढ़ना चाहिए था, निविदा की शर्तों में 6 मीटर मतलब 3 फीट चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा, उसके बाद ठेकेदार का पूरा भुगतान हो गया। मॉडल रोड आपने विरोध किया, असफल रहे, स्वीकार करते हैं असफलता आपने। जलावर्धन योजना आपने विरोध किया, असफल रहे, ये दो ऐसी योजनाएं हैं। तीसरी योजना, जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल खड़े हुए हैं 2013 से, आज तक ट्रैफिक सिग्नल में कभी आपने देखा हो चालू हुए, उसकी सुधार के लिए एक बार फिर पैसे आवंटित हुए। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, इनके खिलाफ आप पिटीशन क्यों नहीं करते? उसकी तैयारी में 10 साल हो गए, 10 साल अभी हमने, 10 साल हो गए, हमने पिछले महीने जो CMO है
उनसे बात की, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ से मिला, उनसे ये सारी चीज़ें बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी आया हूँ, मतलब एक उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है बड़ी शर्मनाक बात। हमसे भी कई बार कई अधिकारी यही कहते हैं कि हम अभी आए हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि जनता कुर्सी को जानती है, जनता व्यक्ति को नहीं जानती है। तो हमारा कहना यह है 2012 में ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर स्थापित हुए, 2013 में मॉडल रोड, और उसके बाद 2017-18 में जलावर्धन योजना, तीन आपकी योजनाएं, और 2014-15 में प्रधानमंत्री आवास। इतना समय बीत गया और अभी आपकी पिटीशन की तैयारी चल रही है। नहीं, उसमें अभी हमने सूचना के अधिकार के तहत जो दस्तावेज उनसे लेना था वो बीच में अलंगे डालते रहे, अभी कल ही मेरे पास वो पूरा बंच आया है। चलिए, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, बाग बगीचों का एक शहर सिवनी को माना जाता था, बस स्टैंड पर एक तिकोना छोटा सा पार्क हुआ करता था, आज पार्क के नाम पर एक भी पार्क नहीं है। शंकराचार्य पार्क लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, कोई उसका हल नहीं निकला। कलेक्टर बंगले से आप आते हैं, सर्किट हाउस चौराहे से अगर कलेक्ट्रेट तरफ आते हैं, पूरा बाग उजड़ा पड़ा है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, नगर पालिका में हमेशा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। नगर पालिका की बात छोड़कर अगर हम थोड़ा सा ऊपर विधानसभा की बात करें, तो सिवनी जिले में अगर आप देखेंगे, सिवनी जिले में शिक्षा की व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त? बिल्कुल नहीं है। सिवनी जिले में परिवहन के साधन पर्याप्त हैं? आज अगर आपको भोपाल जाना है तो कितना किराया लगता है? 1200-1400 रुपये। रेलगाड़ी से आप 100-200 रुपये में आसानी से पहुँच जाते हैं। तब क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे हैं, रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जवाब दे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे हैं, परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के गोविंद सिंह राजपूत जवाब दे हैं, कौन जवाब दे हैं इसके लिए? ये सारे लोग एक साथ? नहीं, आपकी बात सिर्फ जवाब दे, हमने वोट नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिया, हमने जिसे वोट दिया है उसे हम भूल जाए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जनता का विश्वास अर्जित किया है, पहली जवाबदेही उनकी उनकी है। अगर हम बात करें सिवनी में रोजगार की, तो पिछले लगभग 25-30 सालों से जो आप और हम देख रहे हैं, 25-30 सालों में आपने हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ से रोजगार एक एक करके इंडस्ट्रीज जाती रही। 1000 हेक्टेयर 2500 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया भोरकल खापा में, 22 उद्योग चल रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिले? क्यों नहीं, सब चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिले। तो अगर हम सब चाहते हैं तो हमारे प्रयास कहीं कहाँ कम हैं? दरअसल देखिए, मेरा उसमें मानना यह है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधियों की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कमी है उनमें। दरअसल कहा जाता है क्षमा चाहेंगे, बात आपकी काट रहे हैं, कहा जाता है कि विपक्ष अगर मौन है तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाएंगे। सिवनी में वही होता दिख रहा है, विपक्ष मौन है, सत्ताधारी निरंकुश है, अंततः जनता को ही भोगमान भोगना पड़ रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, विपक्ष के रूप में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, पहली जवाबदारी उनकी होती है, लेकिन जनतंत्र में हम भी एक राजनीतिक दल हैं, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो जवाबदेही तो हमारी भी है। हमने जितने भी आंदोलन किए, आप देख लें, उसका 10% भी कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया इतने सालों में। पड़ोसी का बच्चा अगर 2 बजे रात को आवारागर्दी करके लौट रहा है, तो हम अपने बच्चे को आवारागर्दी करने के लिए कभी इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल। किस पार्टी ने क्या अपनी जवाबदेही नहीं निभाई है विपक्ष में रहते हुए? हम अपनी बात करें, हमने कितनी जवाबदेही? हमने तो सारे मुद्दों पर आंदोलन किए हैं, लोगों को दिखा, चाहे मुद्दा छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हम लगातार आंदोलन करते रहे। आपसे ये हम जानना चाहेंगे, आरिफ कुरैशी साहब के अस्पताल की दुरावस्था किसी से छुपी नहीं, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए कायाकल्प अभियान में, उसके बाद अभी बच्चों के आईसीयू में डॉक्टर्स नहीं हैं, कलेक्टर खुद जाते हैं डॉक्टर नहीं मिलते हैं, इस संबंध में आम आदमी पार्टी का मौन का कारण जानते हैं? नहीं, हम लोग मौन नहीं है, क्षमा चाहता हूँ कि मौन नहीं है, हम
हमेशा इन मुद्दों को उठाते रहे हमारे आप हम स्पेसिफिक एक मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी पार्टी मौन नजर आ रही है पिछले एक महीने में। अब पिछले एक महीने की बात मैं नहीं कहता, पिछले एक महीने में हम लोग दूसरे आंदोलनों में भी लगे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा हमारे नजरों से उझल रहा हो। सिवनी में ब्रॉडगेज इतनी विलंब से आई, उस मामले में आम आदमी पार्टी मौन ही नजर आई। नहीं, हम लोगों ने जो रेलवे के लिए जो संघर्ष समिति थी, संयुक्त संगठन, क्योंकि वो एक ज्वाइंट आंदोलन, संघर्ष समिति की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी। आपकी बात रेल मंत्री तक आपके सांसद ले जा सकते हैं। आपने सांसद को कभी कहा कि आप इस मामले में क्या पहल कर रहे हैं? जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसके माध्यम से जो आंदोलन चला उसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपकी हिस्सेदारी की तो बात हम कतई नहीं कर रहे हैं, हम पूरा इत्तेफाक रख रहे हैं आपने आंदोलन में बढ़ के हिस्सा लिया होगा। बात यह है कि आपकी बात जो प्रतिनिधि वहां भेज सकता है उस प्रतिनिधि तक आप क्यों नहीं जा रहे? प्रतिनिधि को भी कटघरे में खड़ा किया गया है और हम कटघरे में जो भ्रष्टाचार है उनको भी हमने को भी और को ही इसमें बड़ा अंतर होता है। आपको आपको अगर हम कहें कि वो भी और वो ही, हमारी बात केंद्र सरकार तक या तो फग्गन सिंह कुलस्ते ले जा सकते हैं या ढाल सिंह बिसेन ले जा सकते हैं, प्रमुख वो ही ले जा सकते, वो भी नहीं। उन्हीं के खिलाफ तो आंदोलन चला संयुक्त संघर्ष समिति, बिल्कुल नहीं चला, इस बात से बिल्कुल इनकार है, बिल्कुल इनकार है इस बात से। और आपका जो संघर्ष समिति की आप बात कर रहे हैं, जितनी चीजें मीडिया में आ रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि वो किसी एक राजनीतिक दल विशेष का संघर्ष था। नहीं, वो कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग मिलकर करते हैं तो लोगों के अंदर ये एक गलतफहमी जैसे भी पैदा हो जाती है। आप गलतफहमी ही सही, आप सिर्फ इतना भर बता दीजिए, सिवनी में छिंदवाड़ा नाका, बरघाट नाका, नागपुर नाका, तीन रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर जाम लगता है। 24 अप्रैल 2023 से यहां से कमर्शियल ऑपरेशन चालू हुआ, पैसेंजर रेलगाड़ी आरंभ हुई, उसके पहले से मालगाड़ियां जा रही हैं। एक लॉलीपॉप दिया गया कि नागपुर नाके पर एक फ्लाईओवर बनेगा, मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर आने को है, 4 महीने बीत गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। आम आदमी पार्टी के मौन का नहीं, आम आदमी पार्टी इसमें मौन नहीं है। हमारा अगला जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है इन मुद्दों में, उसमें ये मुद्दा शामिल है। सिवनी में कुछ सरकारी बंगले बेच दिए गए हैं, जिस तरीके की जानकारी आ रही है, सरकारी बंगलों को बेचा गया है पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत, उस क्या उसे उचित मानते हैं? नहीं, तो फिर उस मामले में आम आदमी पार्टी के मौन का कारण? उसमें भी मौन नहीं है, क्या है, दरअसल एक जन आंदोलन की तैयारी जैसे, जिसे लोग आमतौर पर आजकल विधानसभा चुनाव सर पर है, कल परसों नरसों कभी भी घोषणा हो सकती है विधानसभा चुनाव की, और जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद इस तरीके का आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ही माने जाएंगे। अब देखिए, राजनीतिक दल हैं हम, जो एक समय होता है चुनाव का वो आता रहता है, लेकिन हम लोग तो आप देख रहे हैं कि लगातार संघर्ष। हमारे पास सिवनी में फुटबॉल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, हमारे पास क्रिकेट के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, हॉकी के लिए ग्राउंड है, स्टेडियम होता था जिसमें आपने हमने क्रिकेट खेला है, वो क्रिकेट स्टेडियम भी होता था। आज उसमें आपको जाना हो तो प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, क्यों? इस मामले में आम आदमी पार्टी के मौन का कारण? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें मौन नहीं है हम लोग कतई। आपको ऐसा महसूस होता है कि हम लोग लगातार ज्ञापन के माध्यम से या जिला अध्यक्ष से, कलेक्टर साहब से मुलाकात करके वो बात उनके ध्यान में लाना है, उसके माध्यम से या जनप्रतिनिधियों से मिलकर, वो लगातार हम लोग के मतलब उसमें कार्यक्रम हमारे आंदोलन को जारी। एक आखिरी सवाल आपसे कि चारों विधानसभा में क्या आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार? बिल्कुल निश्चित, चारों सारे उतार। उसके लिए क्या आपने प्रत्याशियों का चयन हो चुका है? नहीं, अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, जो एक चुनाव में प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया है वो जब शुरू होगी तो उसमें चयन में जो लोगों का चयन किया जाएगा वो लोग लड़ेंगे, अभी तो काफी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बहुत शुक्रिया, आप थे हमारे साथ याया आरिफ कुरैशी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 574वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 475वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द
हाजिर होंगे। एक बार फिर यार कुरैशी साहब आपका बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। फिलहाल इजाजत लेते हैं, जय हिंद।